सब जेल से बाहर छूट गया मनीष भाई, छूट गया। जितना विरोध कीजिएगा उतना मेरा भाई निखरेगा और उतना बिखर के सामने आएगा और उतना ऊपर जाएगा। हम कहते हैं कि विरोधियों को विरोध करने दीजिए, आज उन्हीं का बदौलत है कि मनीष कश्यप इतना आगे है। और भारी से भारी संख्या में बेउर जेल पहुंचेंगे और उनको जेल से बाहर निकालने के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो मनीष भैया ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा लोग के लिए लड़े हैं, सरकार के विरोध में लड़े हैं। कल मनीष का जब जेल से बाहर आएगा तो हम लोग उनका स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव को जो आप बताए थे कि मनीष कश्यप तुम अंदर रहो, नौ से अंदर रहो, वो हट गया। हमारा भाई दिल का टुकड़ा 9 महीना के बाद जेल से बाहर आया है और दहाड़ कर निकलेगा। मनीष कश्यप के लिए भी इतना खुशी है, क्या बताएं। हमारा बेटा 9 महीना बाद आके बोलेगा, मम्मी मैं जेल से आ गया। भारत देश देखेगा कि इतना भव्य स्वागत किसी भी इंसान का आज तक पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ था। लेकिन चाहने वाले जितने हैं ना उनके, और इस बार जो मनीष भैया का अंदाज होगा ना, इस बार विरोधियों का जो है ना फट के आधा होने वाला है। सीएम बना सकते हैं क्योंकि मनीष कश्यप ऐसा, हमको बिहार में सीएम चाहिए जो पढ़ा लिखा सीएम चाहिए। बिहार के बहुचर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप अब जेल से जल्द ही बाहर निकलने वाले हैं। हालांकि अलग अलग जो मान्यते थी वो अब पूरी की जा रही है। हम पटना के काली मंदिर बांसघाट के निकट स्थित है, युवक है जो मन्नत मांगे थे वो अब कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। ऐसे में हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या लगता है कि मनीष कश्यप अब बाहर निकल रहे हैं, कितनी खुशी है क्योंकि नवयुवकों में काफ़ी उन्हें दिलचस्पी देखी जा रही थी। भैया सबसे आपको इंडिया टॉप को नमस्कार। मनीष कश्यप के लिए भी इतना खुशी है, क्या बताएं। जब बेटा 9 महीना बाद अपने माँ के पास जाएगा, माँ का कोख लगाएगा, तो उसकी माँ कितना खुशी होगी कि हमारा बेटा 9 महीना बाद आके बोलेगा, मम्मी मैं जेल से आ गया। तो हम इतना खुशी है कि भैया क्या बताएं आपको। कल मनीष का जब जेल से बाहर आएगा तो हम लोग उनका स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और भारी से भारी संख्या में बेउर जेल पहुंचेंगे और उनको जेल से बाहर निकालने के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। लड्डू इतना बटेगा कि पूरा जनता देखेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ तेजस्वी यादव को, जो आप बताए थे कि मनीष कश्यप तुम अंदर रहो, 9 से अंदर रहो, वो हट गया। हमारा भाई दिल का टुकड़ा 9 महीना के बाद जेल से बाहर आया है और दहाड़ कर निकलेगा क्योंकि वे उसका दहाड़ना फिर रोएगा वो, क्योंकि उसके आँख में आंसू चलते नहीं होगा, क्योंकि उसका आँख में आंसू इसलिए होगा कि उसका जनता इतना सपोर्ट कर रहा है। जब भैया जेल में भी थे तो उनको एक गाड़ी में ऐसा गाड़ी में ले जाता था कि उनको सब उनके बगल में सब स्मोकिंग करता था तो उनको चिड़चिड़ाते थे। तो मनीष कश्यप के लिए हम लोग भी इतना अच्छे से हम लोग लड़ रहे हैं, आज इतना खुशी हुआ कि हम काली मंदिर में आए और कल हम लोग पटना जंक्शन में उनके लिए पूजा करने के लिए गए थे। तो आज हमारे जितना भी कार्यकर्ता हैं उस सब मनीष कश्यप समर्थन है और कल हम लोग बेउर जेल जाएंगे, उनको बाहर निकाल। क्या कहिएगा उन लोगों के लिए जो कहते थे कि मनीष कश्यप भद्दी गाली देते हैं, कई लोगों को ड्राइवर कंडक्टर को क्या नहीं किए, तमाम बातें उनके लिए कही जाती है। सबसे बड़ी चीज़ हम कहते हैं, जितना विरोध कीजिएगा उतना मेरा भाई निखरेगा और उतना बिखर के सामने आएगा और उतना ऊपर जाएगा। हम कहते हैं कि विरोधियों को विरोध करने दीजिए, आज उन्हीं का बदौलत है कि मनीष कश्यप इतना आगे है। बिल्कुल, हम मनीष कश्यप के लिए यही कहना चाहेंगे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवनीत अस्क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो मनीष भैया ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा लोग के लिए लड़े हैं, सरकार के विरोध में लड़े हैं। लोग सरकार का चाटुकारिता करके कई लोग मीडिया में आते हैं, लेकिन मनीष भैया हमेशा सरकार के विरोध में लड़े हैं और आजीवन लड़ते रहेंगे जब तक उनके जीवन में प्राण रहेगा। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का जो प्यार है वो दिख रहा है युवाओं के प्रति। अब कुछ दिल के बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर, छूट गया मनीष भाई, छूट गया। देख सकते हैं किस तरह से जोश और उमंग है, होश और खरोश है, किस तरह से देख रहे हैं कि क्या लगता है फिर से वही अंदाज आएगा मनीष कश्यप का। मैं फिर से कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यहां पे हम लोग जो है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने पहुंचे हैं और साथ ही साथ हम सभी युवाओं जो आप यहां पे देख रहे हैं एकत्रित हैं, बहुत सारे लोग अभी आए थे, जो कुछ लोग को काम आया तो निकल गए। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि मनीष कश्यप जब इस बार जेल से छूटेगा तो उसका जो अंदाज था ना वो ख़त्म हो जाएगा, उसके जोश और जुनून को एक बार फिर से एक और नए अंदाज में हम लोग उनको जो है हिम्मत देने के लिए आए हैं। और इस बार जो मनीष भैया का अंदाज होगा ना, इस बार विरोधियों का जो है ना फट के आधा होने वाला है। और बस इंतज़ार करिए उनका जेल से आने के बाद, और कल का जो स्वागत होगा ना, पूरे बिहार, पूरा झारखंड, पूरा यूपी, पूरा भारत देश देखेगा कि इतना भव्य स्वागत किसी भी इंसान का आज तक पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ था। क्या लगता है मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे तो पत्रकारिता या चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ता है तो हम लोग उनको
पहले तो रूप में विधायक, मंत्री, सांसद जो हम लोग से बनेगा उनको बनाने के, उनको मन हम लोग सीएम ही बना सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ऐसा हमको बिहार में सीएम चाहिए जो पढ़ा लिखा सीएम चाहिए और कोई नहीं चाहिए। नीतीश बाबू तो कुछ किए ही नहीं आज तक, इसलिए हम मनीष कश्यप को बनाएंगे सीएम। अच्छा, लोग जैसे कि बात रही थी सरकार की, ठीक है, तो आप देख लीजिए जैसे बहुत सारे विरोधी कह रहे थे 3 साल 3.5 साल 4 साल जो है मनीष भाई हमारे सड़ेंगे जेल के अंदर। आपको पता होगा कि सत्ता में जो लोग थे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक षड्यंत्र था उनको फंसाने का। हमारा भाई ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर जो है आज जेल से बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विरोधी तो हर जगह पे है, विरोधी हर जगह पे है, लेकिन चाहने वाले जितने हैं ना उनके चाहने वालों का दुआ है, प्रभु श्री राम की कृपा है कि आज हमारा भाई 9 महीनों के अंदर जो है बाहर। और सबसे बड़ी चीज है जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप गलत है, उसके ऊपर एनएसए लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देशद्रोह का कानून, आज उन लोगों को जवाब मिल गया है क्योंकि वो कानून को गलत ठहराया गया और मनीष कश्यप से उस कानून को हटा दिया गया और आज मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट भी बेल दे दिया गया कल ही के दिन। तो अब हम उन विरोधियों को कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप ना गलत था न है, आगे गलत रहेगा और मनीष कश्यप उसी अंदाज में बिहार के लिए फिर से लड़ाई लड़ेगा। तो देखिए, जो नवयुवक है वो काफ़ी जोशो खरोश में नज़र आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो फिर वही जो रूप है वो दिखेगा मनीष कश्यप का, और आगे अगर रहेंगे, अगर चुनाव में उतरते हैं तो उन्हें आगे चलकर विधायक, सांसद, सीएम तक की बनाने की बात जो है वो कह रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहिए। धन्यवाद।